खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मुखातिब हैं बरेली में समाजवादी पार्टी पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल जी से। बहुत तेज तर्रार नेता हैं बरेली में समाजवादी पार्टी के। आपसे बात करेंगे आज नगर निगम से जुड़े कुछ मुद्दों पर। बीते दिनों एक बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ अहम बिंदु उठाए गए थे, कुछ ऐसे बिंदु भी थे जिन पर शायद आपत्तिजनक महसूस हो रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के आपके दल के नेता को। जानते हैं राजेश जी से क्या है वो बिंदु, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी, हमारे रीडर्स आपको सुन रहे हैं। देखिए, नगर निगम में पीछे कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी 18 तारीख को, जिसमें कुछ 9 प्रस्ताव पारित किए गए और हमने उस पर कुछ विरोध किया है। हमारा विरोध उन प्रस्तावों को लेकर नहीं है, हमारा विरोध है उन शक्तियों का जो जिन लोगों ने पास किया उससे ऊपर वोट की शक्तियों के अंतर्गत आता था। हम नहीं कहते निगम की आय कम हो, निगम की आय बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस प्राधिकारी की जो शक्तियाँ उसको उस शक्तियों का पालन करना चाहिए। कार्यकारिणी में सेक्शन नगर निगम एक्ट की 129/3 जो सेक्शन है उसमें स्पष्ट है कि कार्यकारिणी 3,000 रुपये प्रति वर्ष जो आय होगी उससे अधिक की स्वीकृति नहीं देगी, उससे ऊपर की जो आय होगी उसके लिए नगर निगम बोर्ड देगा। तो ये जो प्रस्ताव 9 कार्यकारिणी ने स्वीकृत किए हैं ये बोर्ड की पावर के थे और बोर्ड में ये प्रस्ताव आने चाहिए। कार्यकारिणी ने अगर स्वीकृत भी कर दिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंतोगत्ता ये बोर्ड में आने चाहिए। इसी संबंध में हमने नगर आयुक्त जी को एक पत्र भेजा है, उनके कार्यालय में रिसीव कराया है और रजिस्ट्री डाक से भी भेजा है। प्रस्ताव ये सब्जी मंडी वगैरह के हैं, श्यामतगंज, कुतुब खाना, एलन क्लब और कुछ तालाबों के हैं। और इसमें मुझे एक बात और कहना है, आपके चैनल के माध्यम से सन 2004 में एलन क्लब की सब्जी मंडी करीब 40 लाख के आसपास उठती थी जब तय बाजारी थी। चलिए तय बाजारी खत्म हो गई, अब आप भू उपयोग शुल्क ले रहे हैं तो भू उपयोग नाम बदल गया, चीज वही है, तो आज 17 लाख में क्यों उठ रही है? इतना बड़ा राजस्थानी जबकि शासनादेश है कि हर वर्ष 10% बढ़ के उठनी चाहिए, जो हम कहते हैं उतनी भी ना बढ़े 10% के हिसाब से तो 1 करोड़ की हो जाती है, जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन जो पहले गई थी आज से 10-15 साल पहले उतने में तो जाए, उससे थोड़ा कम में जाए लेकिन उससे आधे में तो ना जाए। तो ये भी हमारा विरोध है कि इतना बड़ा राजस्थानी हो रही है और हम एक बार में प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसके लिए हमको पुनः प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि हमारी सब्जी मंडी से उगाही तो हो ही रही थी, हमारा स्टाफ करता था, ऐसा तो है नहीं कि हमारी आय शून्य थी तो हमने उसको शून्य को एकदम 100 पे ले आए। हमारी जो आय कर्मचारियों के द्वारा थी उससे भी कम अब ठेकेदार के द्वारा होगी। तो हमारा निवेदन ये है माननीय नगर आयुक्त जी से कि वो जिस तरह से भी चाहें इसका सत्यता देख लें कि इतने कम में सब्जी मंडी देना, सारी सब्जी मंडी है क्या ठीक है, और अगर ठीक है तो बोर्ड में प्रस्ताव ले आए, बोर्ड में चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है बोर्ड की शक्तियों का प्रस्ताव है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमसे बात करने के लिए। कांका न्यूज आपका आभारी है।